राग जौनपुरी। राग जौनपुरी की उत्पत्ति आसावरी थाट से हुई है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद अर्थात ग, ध और नी, ये तीनों स्वर कोमल और शेष सभी शुद्ध स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में गंधार यानी ग वर्जित स्वर है और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में छह स्वर और अवरोह में सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति शाड़व संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर धैवत यानी ध है और संवादी स्वर गंधार यानी ग है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग जौनपुरी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अब अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। अब प्रस्तुत है राग जौनपुरी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मामा पधानी सा सरगारे सानी सा धापा मामा पधानी सा सरगारे सानी सा धापा मा पधानी सारे सा पगारे सा धापा मामा पा सा धा पा पा धा मा
अभी आपने सुनी राग जौनपुरी की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, अचल रहा जो अपने पथ पर। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अचल अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। मिले